हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो छवि मित्तल ने की खुलकर बात, कहा मैं अपनी कैंसर जर्नी से पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इम्पोर्टेंस से अनजान थी। जी हाँ, एक्ट्रेस छवि मित्तल को यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि वह ब्रेस्ट कैंसर और इसके अवेयरनेस अभियान के बारे में तब तक अनजान थी जब तक कि उन्हें खुद इस साल की शुरुआत में इसका पता नहीं चला था। और अब वह अपने आसपास इसके बारे में और ज्यादा बातचीत करके समय की भरपाई करने के मिशन पर है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता मैंने इस साल से पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर कोई ध्यान दिया है। अब मेरे लिए इसका बिल्कुल नया अर्थ है। इस साल मैं बहुत सारे मिशन से भी जुड़ रही हूँ और वेबिनार में लोगों को सेल्फ एग्जामिनेशन के महत्व और शुरुआती पहचान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए बात कर रही हूँ। यह मंच बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि मेरे कैंसर का पता जल्दी चल गया था। इस सब से खुद को अनजान बताते हुए वे आगे कहती हैं, मैं इन सब से वाकई में बेहद अनजान थी। इतने सारे लोग अनजान हैं, जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते या नहीं जानते जो इससे गुजरा है, अब वास्तव में इसके महत्व को नहीं समझ सकते। मैं उन महिलाओं से मिली हूँ जो कहती है मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर था, मेरी नानी को था। जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने टेस्ट किया या सेल्फ एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने कहा नहीं। बंदिनी और द बेटर हाफ के लिए जानी जाने वाली अभिनेता ने कहा, ये सिर्फ अज्ञानी नहीं है बल्कि आलसी होना और अपने जीवन को हल्के में लेना है। इससे पहले इस साल अप्रैल में मित्तल को शुरुआती फेज के ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और कुछ दिनों बाद उनकी सर्जरी हुई। तब से अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया को अच्छे और बुरे दिनों सहित अपनी पूरी जर्नी को दिखाया। उन्होंने कहा, मेरी अपनी रिकवरी जर्नी को शेयर करने का कारण ये है कि जब मुझे कैंसर हुआ तो सभी ने मुझे इलाज के बारे में बताया, किसी ने मुझे कैंसर के बाद की लाइफ के बारे में नहीं बताया। कैंसर के बाद की लाइफ में मेरे डॉक्टर्स से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, कैंसर के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं अपनी रिकवरी जर्नी को सभी के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कैंसर के बाद का जीवन नॉर्मल है, उतना ही नॉर्मल हो सकता है जितना आप चाहते हैं। इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।